हेलो एवरीवन, वन सेकंड एंड वेलकम बैक टू ब्रिलियंट स्टडी जोन। आप लोग देख रहे हैं मानव रोग ह्यूमन डिजीज और उसके स्वास्थ्य के बारे में जो चैप्टर है, उन सभी चैप्टर को हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। आप लोग इसके पहले वाला वीडियो आप लोग देख लिए होंगे, कितने टाइप का रोग होते हैं। तीन टाइप का रोग मैंने बता दिया था, अनुवांशिक और संक्रामक और असंक्रामक की। तीनों आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें बहुत सारे ट्रिक भी मैंने बताया था, जिस ट्रिक से आप बीमारी के रोग के बारे में आसानी से याद कर सकते हो। आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हो तो पहले जाओ देख लो। अभी हम लोग देखेंगे जो सामान्य रोग क्या होने वाला है। ऐसे में मैं रोग के बारे में पढ़ा दिए हैं, लेकिन यहाँ पे देखेंगे जैसे 12th क्लास के बुक में जिस तरीका से दिया हुआ है, उस बुक के हिसाब से पढ़ेंगे। तो इसमें एक टॉपिक है मानव में सामान्य रोग, जैसे उस टॉपिक का नाम क्या है, मानव में सामान्य रोग, सामान्य रोग मतलब ह्यूमन डिजीज इन ह्यूमन, मानव में कौन से कॉमन डिजीज इन ह्यूमन, इसको इंग्लिश में कहा जाता है कॉमन डिजीज इन ह्यूमन। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसमें कौन कौन सा कॉमन रोग होता है, सामान्य रोग कौन कौन से होते हैं। जो सबसे पहले हम बता देते हैं, मानव में रोग जैसे भी उत्पन्न होता है, वो रोग उत्पन्न करने का छोटे छोटे कुछ ना कुछ प्रोटोजोआ या फिर जीवाणु या फिर विषाणु या फिर फंगस वगैरह होते हैं। इन्हीं सब के वजह से हमारे शरीर में रोग होता है। जैसे में कोई भी जीवाणु होते हैं, जैसे प्रोटोजोआ हो गया, प्रोटोजोआ के कारण से हमें बीमारी होता है, जीवाणु के कारण से बीमारी होता है, फंगस के कारण से जिसको कवक कहते हैं, कवक के कारण से बीमारी से होने वाला रोग, इट इज इन सभी के से होने वाला रोग के बारे में हम इसके पहले थ्योरी बता दिए था, लेकिन इसमें कॉमन रोग के बारे में बताते हैं। इन सभी को इन सभी से होने वाले बहुत सारे रोग होते हैं, जिसे हमें ये सब होते हैं कॉमन रोग के बारे में। अभी उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे इसके बाद यहाँ पे जो पिक्चर दिखाई दे रहा है, इस पिक्चर जैसे आप सबको यहाँ पे नोट्स भी मिल जाएगा, जिससे आप सबको यहाँ पे लिखने में परेशानी ना हो और समझने के लिए हर एक टॉपिक को लिख के यहाँ पे हम समझा देंगे। अब मनुष्य में होने वाला रोग, मनुष्य में बहुत सारा रोग होता है। जैसे कि मनुष्य में होने वाला रोग के बारे में देखते हैं। मनुष्य में होने वाला रोग में होने वाला रोग जैसे बहुत सारा रोग होता है, जैसे इसके पहले मैंने बता दिया था। यहाँ पे जो कॉमन रोग होता है, उस सभी डीपली यहाँ पे पढ़ेंगे, उन सभी टॉपिक को डीपली से डीपली यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक है टाइफाइड को इंग्लिश में भी टाइफाइड कहते हैं। टाइफाइड भी ये भी क्या होता है, जीवाणु से होने वाला रोग होता है। टाइफाइड भी क्या होता है रोग, ये जीवाणु से होने वाला रोग होता है। उस जीवाणु का जो नाम होता है, ये किस तरीका से रोग होता है, ये भी जीवाणु से होने वाला रोग होता है। जिस जीवाणु को हम कहते हैं साल्मोनेला, ये जो जीवाणु होता है, ये साल्मोनेला टाइप का जो जीवाणु होता है, इससे होने वाला रोग को कहते हैं ये टाइफाइड। इसी से होता है ये टाइफाइड रोग, इसी रोग से होता है। और ये कैसे होता है, जिसे मतलब वाहक कहते हैं, मतलब हिंदी में इसे वाहक कहते हैं, मतलब कैसे होता है, ये कैसे फैलता है एक दूसरे में, ये बीमारी कैसे फैलता है। तो ये होता है दूषित जल या भोजन से होने वाला बीमारी है। दूषित जल, खराब भोजन और जल अगर ग्रहण करने पर इस तरीका से बीमारी होता है। और इससे क्या प्रभावित होता है, तो इससे प्रभावित होने वाला अंग जो होता है, जिसको कहते हैं छोटी आंत जो होता है, इसे प्रभावित होता है। छोटी आंत इससे प्रभावित होता है। और होता है अमाशय, इसमें छोटी आंत प्रभावित होती है और अमाशय प्रभावित होती है। ये बीमारी जिसको टाइफाइड होता है, जिसमें छोटी आंत और अमाशय प्रभावित होती हैं। और इसको पहचानने का लक्षण क्या होता है, जैसे इसका पहचाना जाए, इसका लक्षण क्या होता है, उस लक्षण को यहाँ पे लंबे समय तक तेज बुखार आता है। इसमें लंबे समय तक तेज बुखार आता है लंबे समय
तक तेज बुखार आना, तेज बुखार आना, बुखार आना जैसे कि हो जाता है 103 डिग्री, 104 डिग्री, ये जल्दी खत्म नहीं हो पाता है, उसी को टाइफाइड चेकअप करवाया जाता है। तब जाके उसके अंदर मिलता है सलमोनिया नाक का जो जीवाणु होता है, टाइफाइड चेक करना पे सलमोनिया नाम का जीवाणु उसके ब्लड में मिलता है, तब पता चलता है उसको टाइफाइड हुआ है। ये लंबे समय तक बुखार रहता है, 103 डिग्री, 104 डिग्री तक ये बुखार रहता है। और इसमें क्या होता है, आमाशय जो होता है, हम क्या बोले यहाँ पे, छोटी आंत और आमाशय प्रभावित होती है, तो आमाशय जो होती है उसमें सूजन या पीड़ा होता है। आमाशय के अंदर क्या होता है, सूजन होता है, सूजन फूलने लगता है और इसमें बहुत तेज दर्द होता है, जिससे सूजन होता है और दर्द होता है टाइफाइड आगे बढ़ जाने के बाद। इस तरीका से जो बीमारी होता है आंत और आमाशय से प्रभावित होता है, तो आंत में क्या होता है, ज्यादा होने के बाद इसमें छेद हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य मर भी सकता है। और जो आमाशय से होता है इसमें सूजन आ जाता है और इसके कारण ये भी दर्द देने लगता है। तो टाइफाइड भी कोई छोटा मोटा रोग नहीं है, छोटा मोटा बीमारी नहीं है, इसको भी अच्छे से समझिए और इसको भी ध्यान देना चाहिए, जिससे कि किसी को टाइफाइड बीमारी ना हो। इसका लक्षण दिखाई दे तभी जाकर इसका इलाज करवा लेना चाहिए। इसमें क्या होता है, सिर दर्द होता है, इसमें सबसे ज्यादा कमजोरी होता है, इसमें होने वाला कमजोरी होता है और जिसमें सिर दर्द भी होता है और इससे सिर दर्द भी होता है इस बीमारी से। और भूख ना लगना, इससे क्या होता है, भूख भी नहीं लगता है, भूख ना लगना, इससे भूख भी नहीं लगता है। इस तरीका से ये बीमारी बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और इसका अगर जांच करवाएंगे, अगर इसका जांच करवाया जाता है, उस जांच को बोला जाता है विडाल परीक्षण के द्वारा इसका जांच किया जाता है, इसकी पहचान किया जाता है। इस बीमारी को फैलाने के लिए सबसे पहले मेरी मेलाना नाम की एक लेडी थी, जो कि सबसे ये क्या करती थी, ये कुकिंग करती थी, क्या करती थी, कुकिंग करती थी, और कुकिंग करके एक दूसरे को खिलाते एक दूसरे को खिलाकर फैला दी, एक दूसरे को खाना खिलाकर कुकिंग करती थी, खिलाकर ये बीमारी फैला दी थी। सबसे पहले मेरी मेलाना नाम की जो औरत थी वही ये बीमारी को एक दूसरे में फैलाई थी, ये क्या करती थी, कुकिंग करती थी। इस तरीका से हमारे पूरे वर्ल्ड में ये बीमारी फैल गया। ये बीमारी क्या हुआ, बीमारी फैल गया, जिससे अभी सभी को लगभग सब जगह पे टाइफाइड नाम का बीमारी होते रहता है। तो हम लोग अभी क्या पढ़े, टाइफाइड क्या होता है, ये टाइफाइड सलमोनियम टाइफाइड जीवाणु के द्वारा एक दूसरे में फैलता है, और इसको ये क्या होता है, दूषित जल और भोजन लेने से होता है। इसमें छोटी आंत और आमाशय से प्रभावित होती है, जिसमें आमाशय में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वो फूलने लगता है। और लक्षण इसका लंबे समय तक तेज बुखार रहने को टाइफाइड कहा जाता है। इससे कमजोरी होता है, सिर दर्द होता है, बुखार होता है, बुखार ना, भूख ना लगना, बुखार भी लगता है भूख नहीं लगता है, इस तरीका से इसका लक्षण है। और इसका जांच करने के लिए विडाल परिश्रम द्वारा इसकी जांच किया जाता है। और इसको सबसे पहले मेरी मेलान नाम की कुकिंग थी वही सबसे पहले इस बीमारी को फैलाई थी, उसी के कारण पूरे वर्ल्ड में अभी इस बीमारी को फैला दिया गया। आई होप कि ये सब चीज़ समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।